रात लोरी की शायरी है वो आपको थोड़ा बहुत सुनाते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह वाह। हम तीन बंदे एक सिंगल सीट में बैठे और ये डेढ़ बंदा दो सीट ऊपर, ये देखो यार ऑटो में बैठे ऊपर के नीचे करके, नीचे का ऊपर करके, बिल्कुल नीचे का ऊपर नीचे आए खाली ऊपर का ऊपर का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हमें जाना है जो कि माने जाने वाले शायर है राहत इंदौरी की कब्र पे जा रहे हैं। अब छोटा खजराना में उनकी जो आखिरी आराम का है आज वहाँ तक हमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और मन बनाया। अब ऑटो से हम जा रहे हैं, ये ऑटो हमने ले लिया है तो अब हम ये ऑटो से छोटा खजराना जा रहे हैं। 200 रुपये बोला, 6 बंदे का 200 रुपया। चलो ऑटो में बैठे ऊपर के नीचे करके, नीचे का ऊपर करके, बिल्कुल नीचे का ऊपर नीचे आए खाली ऊपर का ऊपर का। तो गाइस चल रहे हैं हम, तो चलो ऑटो में जा रहे हैं। हम तीन बंदे एक सिंगल सीट पे बैठे और ये डेढ़ बंदा दो सीट ऊपर, ये देखो यार बंदे ने तीन बंदों की जगह लिया यार, क्या करे यार, किस मुसीबत में फंस गए। उधर को गाइस हमें चलते हुए अभी 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अभी जा रहे हैं, तो चलते हैं अभी। राहत इंदौरी एक काबिल एहतराम इंसान थे जिनकी शायरी ने काफी ज्यादा मुतासर किया है। उनकी शायरी काफी ज्यादा मानी जाती है, हालांकि कुछ का बहुत सारे फिल्मी नगमे जो है राहत इंदौरी साहब की, तो ये मानूं कि राहत इंदौरी एक बड़े अजीम इंसान थे और जिनकी तारीफ अगर हमसे हो जाए ये छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। राहत इंदौरी खुद में तारीफ है और वो अपनी तारीफ ही उसकी जिंदगी है, हम उसकी तारीफ क्या करें। बस अब उसी की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे यार उसी की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसके कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, उसकी कब्र तक जाएंगे। उसी वहाँ तक जाने के लिए अभी हम छोटे हैं, अभी हम नहीं जाएंगे वहाँ, अभी थोड़ी जिंदगी अल्लाह सबको जिंदगी दे, अभी टाइम है वहाँ जाने के लिए, लेकिन उसकी कब्र तक जाएंगे एक बार, उसकी ज़ियारत कर लेंगे, उसकी ज़ियारत कर लेंगे और अपने मकबरत के लिए दुआ मांगेंगे। रात लोरी की शायरी है वो आपको थोड़ा बहुत सुनाते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह। देखी मेरे जज्बे की बड़ी कदर है लोगों में, मगर मेरे जज्बे को मेरे साथ ही मर जाना है। साथ गाइस हम पहुंच गए हैं, सब बढ़िया। तो यहाँ पे तो ताला लगाया गाइस, ताला 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 ताला। सबसे पहले सब भाई यहाँ पे जो क्या वो मुंह धो लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। चलो मैं भी मुंह धो लेता हूँ। फाइनली मेरी मुंह तोड़ दिया और मैं अंदर जा रहा हूँ। हमारे बंदे वहाँ पे बैठ गए, पहले से पहुँच चुके हैं।
उसके बाद आपसे मिलता हूँ गाइस। رب يرحم كما كما ربيان الصغيره رب يرحم كما كما ربيان الصغيره رب يرحم كما كما ربيان الصغيره। तो फाइनली गाइस हम वापस आ गए हैं और मेरे दोस्त सभी आ चुके हैं वापस और हम आप जा रहे हैं अपने रूम पर। सभी जैसे मैं आ मेरा वही अंकल ऑटो वाला वेट कर रहा है तो फिर से चढ़ जाते हैं ऑटो पे, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं और इजाजत लेंगे। चलिए ये है जो जिस मस्जिद में ना ये हमारे रात डोरी साहब दिमाग पड़ा करते थे अपनी मस्जिद है रात डोरी और हम उसके कब्रिस्तान से अब थोड़ा जल्दी जाना पड़ा तो अब जा रहे हैं वापस हम पूरा। और यहाँ पर सीट खाली ऑटो पड़ा है अभी जो भी खाली जो भी है और अभी 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 बहुत सारी जगह है यहाँ पर ऑटो वाला चल के भाग गया यार। तो यहाँ पे हमने अपने आपको भी मुतमिन कर दिया कि मतलब मैं खुद बता दूंगा कि मैं इसका बड़ा फैन हूँ और मैं अगर इंदौर आया तो खाली राज इंदौरी के लिए ही आया था, उसकी कब्र के लिए आया था, कब्र को देखना जरूरी था और आज मैंने ये शुरुआत की यहाँ पे। अब आज के बाद हम जाएंगे दाएं बाएं, दो दिन हम यहाँ पे अंदर बैठते रहे क्योंकि ट्रेन से आए थे काफ़ी थक गए थे तो यहाँ से हमने शुरुआत किया कि हम पहले राज इंदौरी के सदमेरे में पहुँचे तो इनके यहाँ पे खाते खाने की और काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा सुंदर है और अल्लाह इनकी दर्जा को बुलंद करें। आमीन। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। अगर मजीद प्रोग्राम आप चाहते हो कि हम थोड़ा आपको दिखाएं, हम ऐसी चीजों में जाएंगे, हम यहाँ से जाते जाते इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, ख्वाजा हिंद नवाज के दरबार में भी जाएंगे, वहाँ तक भी इंशाल्लाह जरूर जाएंगे हमारा प्रोग्राम है। और इंडिया का जो मैच अब लगने वाला है 24 तारीख को वो भी हम एक उस दिन भी दिखाएंगे, गुलाब जरूर करेंगे हम। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।